तो बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि पर्यावरण पे कुछ मैटर लाया जाए और वो आपके काम का भी हो। पर्यावरण के क्वेश्चन चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, यारओ हो, यूपीएचईसी डिग्री कॉलेज हो, और साथ ही साथ यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? अवस्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, तो आप ये बता पाएंगे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है? आप सब जानते हैं ये हॉलैंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हॉलैंड, नीदरलैंड आप जानते हैं, वहाँ पर एम्स्टर्डम पड़ता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है और फिर भी एग्जाम में मिलेगा आपको, चाहे वो यूपीटीटी का एग्जाम हो या किसी का भी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशी चरण के दौरान डैश भरना है का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। तो आप ये सब जानते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशी चरण के दौरान जल वाटर वाटर यानी जल का ऑक्सीकरण होता है एवं NADP का अपचयन होता है। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये, क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। अगला है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG आप जानते हैं, LPG को हम क्या कहते हैं ये भी आप जानते हैं। तो LPG क्या सत्य नहीं, ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये सत्य है। ये उच्च ऊष्मीयमान का होता है, ये भी स्वच्छ। ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी तीनों सत्य हैं। ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, चौथा गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है, मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है ना। LPG जो आपके सिलेंडर में भरी जाती, और बेसिकली ये पूछ सकते हैं आपसे LPG में क्या होता है, तो LPG में कौन सी गैस होती है आप जानते हैं, ब्यूटेन। कौन सी होती है? ब्यूटेन, याद रखिएगा, है ना। LPG जो आपके सिलेंडर में यूज़ करती है, और LPG में जो सिलेंडर्स होते हैं उसकी जो महक होती है, जो गंध होती है, किसके लिए होती है, किससे पता लगाते हैं? मिथाइल मरकैप्टन, है ना, ये भी क्वेश्चन है, मिथाइल मरकैप्टन। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है आप सब जानते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है यूपीटीटी में, चार्ल्स डार्विन की। क्वेश्चन यूपीटीटी यूपीपीसीएस और उस समय आ चुका है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा। अगला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मकर रेखा है कैप्रिकॉन लाइन किसे बोलेंगे? तो 23½ 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? मकर रेखा, कैप्रिकॉन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये बोलेंगे इसको कर्क रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कर्क। ये क्या हो गई? मकर रेखा। और 0 डिग्री क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री जो रेखा है उसको हम कहते हैं, 0 डिग्री को क्या कहेंगे? इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। 23½ नॉर्थ को कर्क, ट्रॉपिक ऑफ है ना कैंसर। और जो मकर रेखा है कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है? तो आप ये बता पाएंगे कहाँ पर है? हेग। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में, पेरिस में नहीं है इसका आंसर, ना इसका जिनेवा होगा, ना न्यूयॉर्क। आंसर क्या होगा? हेग। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। तो इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में। और इसमें जो जज बनता है उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। कितना होता है? 9 वर्ष का। पेरिस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, किसका? यूनेस्को का। जिनेवा में WTO का हेडक्वार्टर है, WTO का। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ, याद कर लीजिए, चारों पूछ सकते हैं। न्यूयॉर्क में UN संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है, जिनेवा में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, पेरिस में यूनेस्को का, और हेग में इंटरनेशनल कोर्ट। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम? तो नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया नेशनल एंथम। आप ये जानते हैं नेशनल एंथम किसने लिखा, फिर पूछ सकते हैं आपसे, तो सर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उनकी पुस्तक किसने प्रकाशित हुआ? गीतांजलि, जो उनकी बुक थी गीतांजलि में ये प्रकाशित हुआ था, उससे लिया गया है 24 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता सेशन 1911 में गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को 3 RQ मैंने कहे थे आपको रटना है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग्स का अपनाए गए 24 जनवरी 1950 को। चलिए आगे,
पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप बता पाएंगे पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जो है ये अजमेर में लगता है, राजस्थान के अजमेर में, और ये बहुत बड़ा मेला है और ऊँटों के मेले के लिए बहुत फेमस है। पुष्कर में, पुष्कर एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान है, पुष्कर सरोवर को तीर्थराज भी कहते हैं, और यहाँ पर ब्रह्मा जी का टेम्पल है। क्वेश्चन अलग से आता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो पुष्कर में। निम्नलिखित प्रावैज्ञानिक किरणों में से कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है? जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज में सबसे अधिक हानिकारक कौन सा है? तो आप ये बता पाएंगे कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है। UVC, UVA, UVB, तो सबसे अधिक अल्ट्रावायलेट सी, UVC सबसे अधिक खतरनाक होता है, याद रख लीजिए, है ना। अल्ट्रावायलेट सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, जिनको पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? जो समताप मंडल में ओजोन लेयर है, वो इसको पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से रोकती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? आप ये जानते हैं दो तरह के घटक होते हैं, जैविक अजैविक, बायोटिक अबायोटिक। तो इसमें जो अजैविक घटक नहीं है, प्रोटीन आपका अजैविक है, मृदा आपका अजैविक है, फास्फोरस आपका अजैविक है, कवक अजैविक घटक नहीं है। कवक कैसा है? जैविक है, याद रखिएगा, कवक कैसा है? जैविक है। गिर लाइन प्रोजेक्ट, गिर शेर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो आप ये सब जानते हैं, गिर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? गिर आप जानते हैं गुजरात में है, एकमात्र जो बब्बर शेर हमारे मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? गुजरात में। तो गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में है, जहां पर टाइगर नहीं क्या मिलते हैं, शेर मिलते हैं, लायन मिलते हैं। अगला है, WWF से क्या आशय है? तो आप ये सब जानते हैं, WWF किसे कहते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका मतलब है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, गंगा नदी निकलती है किससे? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका आंसर आप बता पाएंगे क्या हो जाएगा, किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। किससे? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है ये? गंगोत्री ग्लेशियर से। आप ये जानते हैं इसका ओरिजिन उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख कहाँ से होता है? अगर गंगोत्री के अलावा आपसे में गोमुख होता तो आप गोमुख करते, गाय के मुख की तरह आकृति है, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होती है। गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और गंगा भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? भारत में कौन सी एजेंसी पॉल्यूशन का मापन करती है? तो आप बता पाएंगे कौन सी एजेंसी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन सी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB है ना, याद रखेंगे आप इस बात को। चलिए अगला है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है? तो कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है आप ये बताइए। एक ये एक्टिव वाल्केनो है, तो ये एंडीज में है। कहाँ पर है? एंडीज में, एंडीज पर्वतमाला में है कोटोपैक्सी, है ना। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसे भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत के पास कैलाश मानसरोवर से होता है ना। और तिब्बत में से यार लाख सांगपो, तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। तो तिब्बत की सांगपो रिवर इंडिया में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। घास भूम क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? बताइए सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होंगे? शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी या मांसाहारी, ये किसमें पूछ रहा है? ये घास भूमि क्षेत्र की बात कर रहा है, जो ग्रास लैंड होते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आंसर हो जाएगा मांसाहारी। क्या हो जाएगा? मांसाहारी, ठीक है। वैसे नॉर्मल अगर होता है तो जो सर्वाहारी होते हैं वो सबसे अधिक उच्च होते हैं, बट इसमें घास क्षेत्र में सर्वाहारी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? मांसाहारी मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। अगला है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, तो वो तल कौन सा होता है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का होता है? क्षोभमंडल। कौन सा होता है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। आप ये जानते हैं जो पृथ्वी से बढ़ते हुए कितने लेयर सबसे पहले क्या है? क्षोभमंडल है, फिर समताप मंडल है,
फिर मध्यमंडल है, फिर आयन मंडल और फिर वाह मंडल। कुल मिला के 5 स्तर होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, वाह मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो क्षोभ मंडल में सभी संवहनी घटनाएं होती हैं, इसीलिए इसको संवहनी मंडल भी कहते हैं। जैसे बादल बनना, ओला आना, तूफान का आना, बादल, ओला, तूफान, बारिश, क्लाउड, रेनफॉल, एंटीफान, साइक्लोन, सब कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में। जबकि समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है ना, याद रखेंगे इस बात को। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और उनको कुछ परीक्षा में इससे मदद मिले, क्योंकि ये चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी मेंबर हैं? यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर हैं? तो आप ये बता पाएंगे कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? 5। कितने स्थायी मतलब परमानेंट पूछा है। कुल मिला के इसमें कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 15, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो जो P5 हैं, परमानेंट 5 कौन कौन से हैं? चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। ये नाम आपसे पूछ लेंगे तो देखिए चाइना, रसिया, फ्रांस, USA, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, आप सब जानते हैं कहाँ स्थित है, बोलियो कहाँ पर होगा ये? राजस्थान में। कहाँ पर है? प्रोजेक्ट टाइगर के लिए फेमस है, अलवर जिले में है, राजस्थान में। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? एनर्जी का मुख्य स्रोत सब में हमेशा क्या रहता है? तो इसका आंसर भी आपको क्या मिल जाएगा? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट सबसे इनिशियली सोर्स है। जो कुछ भी ऊर्जा आती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। अगला है, एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, संसाधन से, पैकेजिंग से, उत्पादन से। तो एग मार्क का जो संबंध है वो किससे होता है? गुणवत्ता से। किससे होता है? गुणवत्ता से, है ना, गुणवत्ता। एग मार्क ऐसे पदार्थों को दिया जाता है जो पर्यावरणीय हितैषी होते हैं, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें एग मार्क, है ना, याद रखिए। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पर हो रहा है आर्सेनिक द्वारा? तो आप ये बता पाएंगे आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल में। आया हुआ क्वेश्चन है PCS टेट डिग्री कॉलेज सब में, तो पश्चिम बंगाल में है, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एनवायरमेंट एक्ट, ये अभी PCS में आया था, टेट में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, डिग्री कॉलेज सब में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, रट लीजिए इसको, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपको मिलेंगे। अगला है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया है उसे आप एक वर्ड में अगर बात करें तो क्या कह पाएंगे? किण्वन। क्या कहेंगे? किण्वन। अगला है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? रटाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बोलो? इसका आंसर मिलेगा आपको USSR। USSR इसी को आज रूस कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को आज? रूस कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A में है, पार्ट 4A में। ये क्वेश्चन अभी डिग्री कॉलेज वाले में आया था जिसमें लोग गलत कराए थे। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, आर्टिकल 51A में कुल 11 हैं। कहाँ से लिए गए? USSR रशिया से लिए गए। किससे जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से, है ना, याद कर लीजिएगा इनको। जर्मनी से क्या लिया हमने? आपातकाल इमरजेंसी लिए। यूनाइटेड किंगडम से क्या? पार्लियामेंट है। और USA से मौलिक अधिकार है, रट लीजिए। अगला है, ध्रुव तारा कहा जाता है, किस तारे को कहते हैं ध्रुव तारा? पोलर स्टार। तो उत्तरी तारे को किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा?
क्या होगा इसका आंसर? 1973। क्या होगा? 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1 अप्रैल को। कब चलाया गया था? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम। और कहाँ से स्टार्ट किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क विच हैव स्टार्ट प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू किया गया था। और वर्तमान में लगभग 51 से अधिक नेशनल पार्कों में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और भारत दुनिया में सर्वाधिक टाइगर कहाँ है? भारत में। पूरे विश्व के लगभग 70% टाइगर कहाँ पर मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। और सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? एमपी में। इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट्स भी कहते हैं। 526 बाघ है एमपी में। कितने? 526। नंबर एक पे। नंबर दो पर कर्नाटक है, 524, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? आप बता पाएंगे इसको कहाँ पर है? ये बताइए इसको कहाँ पर है, फूलों की घाटी? ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। उत्तराखंड में है, चमोली एक जिला पड़ता है उस चमोली जिले में है वैली ऑफ फ्लावर्स। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है चमोली। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, आप जाइए कभी। मोर देन 300 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स नेवर फाउंड इन एनी प्लेस, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। वो 300 प्रकार से अधिक के फूल कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी के पास ही एक लेक है जिसे हम रहस्यमयी झील कहते हैं। रहस्यमयी है ना, रहस्यमयी झील। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि रहस्यमयी झील कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में फूलों की घाटी के पास ही है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इस झील में आज भी 18 फीट लंबे डेड बॉडीज कंकाल मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। ये वास्तव में रहस्यमयी झील है, आप जाके जरूर देखें। वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत ही सुंदर जगह है उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया? उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की जो तीव्रता किसमें नापी जाती है? आप सब बता पाएंगे किसमें नापते हैं इसको? हम बोलो किसमें नापेंगे इसको? सिस्मोग्राफ में। किसमें नापेंगे इसको? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किसमें नापते हैं? सिस्मोग्राफ। अगला है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो मरकरी है, बुध है, आप ये सब जानते हैं। सबसे पास का ग्रह बुध है ना, क्योंकि प्लेनेट कितने हैं? 8 प्लेनेट हैं। कितने प्लेनेट हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यम को अपग्रह नहीं माना जाता है, प्लेटो को अपग्रह नहीं माना जाता। तो 8 प्लेनेट हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जो सूर्य से सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हॉट प्लेनेट कौन सा है, तो वीनस। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र को ही, वीनस को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, है ना। और पृथ्वी जो हमारी है वो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित, याद रख लीजिएगा। अगला है, अभी भी कराया था, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क का संबंध किस नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा गुजरात। किससे है? गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है ना। अगला है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली यूपी टेट और जो डिग्री कॉलेज के टीचिंग एप्टीट्यूड वहाँ पर काम आएगा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है, सही है। साइकोलॉजिकल विधि होती है, ये प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित, ये भी सही है। ये विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा पाई जाती है, ये भी सही है। ये एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ये गलत है। शिक्षक कभी प्रशासक के रूप में नहीं होता है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या होता है? समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि होनी चाहिए, जो आपका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाला लक्ष्य टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए। सृजनात्मक विधि हो, चयनात्मक हो, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, ये सही होगा। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। आया क्वेश्चन से, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, चिपको मूवमेंट, इसमें देखो हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो इसमें आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? देख लीजिए इसका आंसर क्या मिलेगा, दो मिलेगा, सेकंड वाला मिल जाएगा।
सुंदरलाल बहुगुणा, क्या आंसर मिलेगा इसका? सुंदरलाल बहुगुणा, अभी हाल ही में उनकी डेथ भी शायद हुई है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कब चलाया गया था चिपको मूवमेंट? 1973 में। चिपको आंदोलन कब चलाया गया? 1973 में, 1973 में। कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड के चमोली में। कहाँ पर? चमोली में, रैन गांव में। कहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है? रैन गांव में। और इसकी शुरुआत बिस्तरी में बताया हुआ आपको, विडो महिला थी। कौन थी? गौरा देवी। कौन सी महिला? गौरा देवी। गौरा देवी एक विडो वुमेन्स थी, गौरा देवी। तो अगर नाम कहीं गौरा देवी का, तो पहला आंसर क्या होगा? गौरा देवी। तो गौरा देवी ने 1973 में स्टार्ट किया था ये चमोली उत्तराखंड में, 1973 में। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने इसको दुनिया में पहुंचाया। चिपको मूवमेंट किससे संबंधित था? पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण, वृक्ष को काटने पर रोक लगाने के लिए। तो इसमें चूंकि ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा एक है, तो उसका आंसर सही होगा। गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट तीनों का संबंध इससे है। एक ऑप्शन अगर तीनों चुनना होता तो गौरा देवी चुनते, गौरा देवी नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। रट लीजिए, और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में चिपक जाता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है? तो रासायनिक प्रवृत्ति कैसी? विटामिन नहीं है, वसा नहीं, कार्बन। कैसी होती है इंसुलिन? क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? मूल शीर्ष में होता नहीं, पराग कणों में होता नहीं, तने में होता नहीं, किसमें होता है? पराग कोष में। किसमें होता है? पराग कोष में। रट लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे आते हैं। अगला है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता आपके शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं? शाका, जैसे प्लांट्स हो गए, पौधे उत्पादक हो गए। अब पौधों को सबसे पहले कौन खाता है? जो प्राइमरी उत्पादक, जैसे गाय हो गई, है ना, और जो भी शाकाहारी है। मतलब ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने औषधि कौन सी? जब बुखार में सर्वाधिक हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो आप सब जानते हैं सर्वाधिक प्रयोग किसका करते हैं? पैरासीटामोल। किसका करते हैं? पैरासीटामोल। आपने रटा हुआ क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है, पैरासीटामोल। अगला, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो दही निर्माण हेतु कौन उत्तरदायी है? तो आप इसको बता पाएंगे कौन उत्तरदायी है? लैक्टोबैलिसेस। कौन है? लैक्टोबैलिसेस। दही निर्माण हेतु कौन सा बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया होता है, वायरस नहीं होता है, बैक्टीरिया। कौन सा? लैक्टोबैलिसेस। आया हुआ क्वेश्चन, रट लीजिए। अगला है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। मानव रुधिर वर्ग जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं उनकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर। रुधिर वर्ग कितने होते हैं? चार होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। तो ओ क्या होता है? क्वेश्चन आता है डोनर है। ओ क्या है? सर्वदाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर्वदाता कौन है? तो ओ ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं डोनर, सर्वदाता। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही एक्सेप्टर। ए बी ब्लड ग्रुप क्या है? सर्वग्राही है, ओ सर्वदाता है। अगला है, प्याज आलू अदरक क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, शल्क पत्र। तो क्या है ये आपके तना है। क्या है? तना है। प्याज आलू अदरक क्या है? तना है, याद रखिएगा, रूट नहीं, जड़ नहीं है, तना है। अगला है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव क्या है? स्पायरोगायरा है, विषाणु, हाइड्रा। क्या है? तो इसका आंसर आप सब बचपन से पढ़ते हैं, कोशिकीय सूक्ष्म जीव क्या होता है? पैरामीशियम। क्या होता है? पैरामीशियम, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पर्यावरण के, चाहे वो यूपीटीटी के लिए रामबाण सामित हो गए, चाहे वो यूपीएचएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीआर हो, और सब के लिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, ताकि लोगों को परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सके। मैंने चुनिंदा क्वेश्चनों का इस संकलन तैयार किया है आपके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तब कौन सा प्लांट का प्रोडक्ट ऐसा है जो साबुन की जगह यूज किया था, गांव में यूज भी करते थे लोग? रुद्राक्ष है नहीं, तेंदू है नहीं, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? बता पाएंगे आप लोग? रीठा। रीठा से लोग पहले नहाते थे, कपाल भी धुलते थे। तो पादप उत्पाद जो साबुन की जगह प्रयोग कर सकते हैं, रीठा। निम्नलिखित वहनी ईंधनों में से किसका आजकल पर्यावरण स्नेही, कौन इको फ्रेंडली माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे आप बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG पर्यावरण अनुकूल गैस होती है। और CNG में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? मीथेन की। किसकी होती है? CNG में मीथेन होती है, जबकि LPG में ब्यूटेन होती है, याद कर लीजिएगा। तो CNG को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG को बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, याद रखिएगा। तो पर्यावरण हितैषी कौन सी है? CNG। अगला है, गैसीय अपशिष्ट क्या है?
सब्जियों एवं फलों के छिलके नहीं है, घरों और नालियों का गंदा पानी ये भी नहीं, खेत खलिहानों का निकलने का कचरा ये भी नहीं, तो गैसीय अपशिष्ट आपके क्या हो जाएंगे? लकड़ी कोयला से जलने वाला वह धुआं, लकड़ी कोयला जलाने से जो धुआं होता है वो क्या होता है? गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? कौन से पौधों दूर दूर तक? फल द्वारा, प्रकीर्णित बीज द्वारा, बीजाणु द्वारा, कायिक जनन द्वारा? आप ये सब जानते हैं, दूर दूर तक कौन जाएगा? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, किसके द्वारा? फल द्वारा, क्योंकि फल को आप खाकर गुठली कहीं फेंक, जैसे आम है आपने लिया और बस से खाते चले आपने कहीं गुठली फेंक दी तो उसके बीज तो कहीं भी उत्पन्न हो जाएंगे ना, तो फल द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे वो दूर दूर तक फैल जाएंगे। अगला है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहते हैं? परजीवी, मृतोपजीव, इसको बोलते हैं जब एक जीव लाभ ले रहा है और बगैर दूसरे को प्रभावित किए तो इसको बोलेंगे सहभोजी। क्या बोलेंगे इसको? सहभोजी। एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को प्रभावित किए बिना, तो इसे सहभोजी। अगला है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या हो जाएगा? किस पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, जो फूड पिरामिड होगा उसके टॉप पर कौन हो जाएगा? मोर। जैसे आपने पढ़ा है ना, अगर आप इसको देखना चाहें, जैसे भाई सबसे पहले क्या हो गया? हरे पौधे हो गए, है ना। हरे पौधे कौन खा गया? कीड़े खा गए। कीड़ों कौन खा गया? आपने देखा सांप, स्नेक, और सांप को कौन खा गया? मोर। तो शीर्ष पर कौन आ गया? अब देख लीजिए भाई, हरे पौधे, कीड़े, कीड़े से सांप, सांप से मोर, तो शीर्ष पर कौन हो गया? ये फूड पिरामिड बनेगा, सबसे टॉप पर कौन आ गया? मोर, बॉटम पे ग्रीन पौध, है ना। कौन सा कायंत्रित सेल का उदाहरण है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप जानते हैं तीन तरह की चट्टाने होती हैं, आग्नेय, औषधि और रूपांतरित। एग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक। तो कायंत्रित सेल का उदाहरण इसमें कौन सा है? बलुआ पत्थर भी नहीं है, ग्रेनाइट भी नहीं, चूना पत्थर, संगमरमर है। कौन सा है? मार्बल है। ये आप सब जानते हैं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मार्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्बल, क्योंकि जो संगमरमर है वो लाइमस्टोन, चूना पत्थर से चेंज होकर क्या बनता है? संगमरमर। लाइमस्टोन से क्या बनता है? मार्बल। तो इसमें संगमरमर क्या है? कायंत्रित सेल है। अगला है, महासागरों में निम्न से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो महासागर है, ओशियन में सर्वाधिक लवण कौन सा मिलता है? तो आप सब जानते हैं कौन सा मिलता है, सोडियम क्लोराइड। कौन सा मिलता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में ओशन में NaCl पाया था। रख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी इस तरह का आ सकता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसकी होने वाली बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है? तो आप बता पाएंगे कौन करता है? बोलो, उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। आप ये जानते हैं, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स में होने बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला है, निम्न से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? सॉइल कौन सी पाई जाती है? तो आप बता पाएंगे कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, इसी को बोलते हैं एलिवल सॉइल। मोर देन 40% पार्ट ऑफ इंडिया, सर्वाधिक यूपी में मिलती है। कहाँ मिलती है सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी? यूपी में। तो इसी को दोमट मिट्टी बोलते हैं, इसी को एलिवल सॉइल, सर्वाधिक जलोढ़ या दोमट। अगला है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों, पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? किस तरह के उपभोक्ता होते हैं? तो वो जो उपभोक्ता आपके होते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो सिर्फ पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। अगला है, प्लेग है कैसी बीमारी है? वायरस वाली है, कवक वाली है, बैक्टीरिया वाली, खनिज? तो प्लेग जो होता है बेसिकली वो किसे फैलता है? प्लेग, बताइए। तो अगला जो क्वेश्चन है, प्लेग है कैसा है? तो आप बता पाएंगे प्लेग का कारण क्या होता है? आप सब जानते हैं, तो प्लेग कैसी बीमारी है? तो ये बैक्टीरिया, जीवाणु जनित बीमारी। कैसी? जीवाणु जनित बीमारी है। पास्टुरला पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया होता है, बेसिकली चूहों, पिशुओं के काटने से प्लेग फैलती है। बहुत बड़ी महामारी आती थी प्राचीन समय में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप कर भी पाएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। क्या सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपके लिए सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। बाघ, टाइगर, राष्ट्रीय पशु
बाघ है, टाइगर है, हाथी आपका राष्ट्रीय विरासत पशु है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है, मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड्स है पीकॉक, और नेशनल एनिमल टाइगर है। और प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट किया गया था। अभी रख लीजिए, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, लोहे का? तो सागरी खरपतवार, जो सी में खरपतवार मिलते हैं, वो किसका सबसे बड़ा स्रोत होता है? आयोडीन। किसका? आयोडीन का, आयोडीन का। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? बार बार क्वेश्चन सारा सोचिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये, तो इसको आप बता पाएंगे कि कहाँ? 1973 में अभी कराया था मैंने। निम्नलिखित में किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? सर्वाधिक प्रोटीन किस में मिलती है? तो आप देख पाएंगे प्रोटीन सर्वाधिक किस में मिलती है, दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली। इसमें प्रोटीन वाला जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाला है वो आप सब जानते हैं, सोयाबीन होता है। तो सोयाबीन, चना, मक्का वाला सही है, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है। एक नक्षत्र का रंग डिपेंड करता है किस पर? उसकी दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, उसके टेम्परेचर पर, ताप पर, पृष्ठीय ताप पर। किस पर? पृष्ठीय ताप पर, जो एक स्टार्स का कलर डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर। वनों के महत्व का कारण है, वन क्यों इंपॉर्टेंट हैं? आप सब जानते हैं वनों को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? कौन पृथ्वी का भटन करता है? तो आप जानते हैं जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, जीवाणु और कवक। अपमार्जक कौन हो गए? जीवाणु और कवक। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप ये जानते हैं कथक बेसिकली कहाँ का है? उत्तर भारत का। कहाँ का है? उत्तर भारत। कथक की उत्पत्ति कथा कहने से हुई है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, कथक, तो उत्तर भारत से कर देंगे। केरल का होता तो केरल में भारत केरल में क्या, मोहिनी अट्टम। केरल का क्या है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम करेंगे। तमिलनाडु में क्या है? भारतनाट्यम, तमिलनाडु में भारतनाट्यम। और आंध्रा में कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? चावल रबी की है नहीं, मूंगफली है नहीं, कपास है नहीं, तो रबी की फसल में कौन है? चना। रबी की क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वो फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, उन्हें रबी की क्रॉप्स कहते हैं, जैसे चना, मटर, सरसों, गेहूं आदि। जबकि जो खरीफ की फसलें होती हैं जुलाई अगस्त में बोकर के अक्टूबर नवंबर काटते हैं, जैसे चावल, मूंगफली, कपास, सब किसकी हैं? ये खरीफ की हैं। पोलियो का कारण क्या होता है? तो पोलियो कारण आप सब जानते हैं वायरस। किसके द्वारा? पोलियो विषाणु से होता है, वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आप सब जानते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम, तो 5 जून। कब मनाते हैं? 5 जून, 5 जून को एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड। किसमें सबसे ज़्यादा होगी? लाल में। भिंडी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस है ना, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। भारत में नींबू, भारत में फलों के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? मतलब सर्वाधिक फलों के अंदर एरिया किसका है? नींबू का, आम का, अमरूद का, पपीते का, तो सर्वाधिक जो एरिया है वो आम का है, और आम में यूपी नंबर एक पे है, और आम में पूरे भारत में बड़ नंबर एक पे है, याद रखिए। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? अभी कराया मैंने, तो चिपको मूवमेंट, चिपक गया फिर से, ये तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में पौधों में जैविक घटक कौन है? जैविक घटक है ना, मैंने कहा ना जैविक अजैविक, तो जैविक घटक कौन है इसमें? मृदा अजैविक है, जल अजैविक है, वायु अजैविक है, तो जो जैविक घटक एक ही इसमें मिल रहा है आपको, पादप, प्लांट्स। जो बायोटिक है वो पादप है, बाकी अबायोटिक में वायु, मृदा, जल, तीनों। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया रासायनिक उर्वरक है, फास्फेट रासायनिक उर्वरक है, पोटास कंपोस्ट खाद रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यह ऑर्गेनिक खाद है। तो ये कंपोस्ट खाद जो गोबर गैस की वगैरह से बनाते हैं, गोबर की गाय भैंस की उससे बनाते हैं गांव में, बहुत ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी है, और सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट हो गया, याद रखिएगा इसको, जैविक राज्य। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? तो हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन, 78.78% नंबर एक पे नाइट्रोजन है, उसके बाद लगभग 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन फिर आपका ऑक्सीजन है ना, याद रखिए सर्वाधिक नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी अम्ल वर्षा का बहुत प्रदूषक कारण है? तो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सा होता है आप सब जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिड रेन के कारण ही
ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, याद रखिएगा, है ना, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगला है, अभी कराया था आपको ये, है ना, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बता पाएंगे किसका है, ये आपको बताया उत्तर भारत, अभी बताया मैंने ये क्वेश्चन, है ना, कथक वाला क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो उत्तर भारत कर लेंगे इसको। एनसीटी का उद्देश्य क्या है, एनसीटी का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, बेसिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा का स्तर बनाए रखना। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को, कब मनाते हैं 1 जुलाई को। जल जनित रोग कौन है, इसमें वाटर वाला कौन सा है, अतिसार, जिसे आप डायरिया भी कहते हैं ना, अतिसार रोग वाटर से होने वाला रोग है, है ना, रक्त अल्पत्व, एनीमिया, लोह की कमी से होता है ना, चिकन पॉक्स और ये, है ना, मस्तिष्क ज्वर अलग है। वायु प्रदूषक का कारक क्या है, सबसे अधिक इसमें कौन सा कारक है वायु पॉल्यूशन का, तो जो भी धुआं होता है, धूल धक्कड़, धुआं से। किसने कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है, किससे, तो कुनाइन जो मलेरिया की दवा होती है किससे मिलती है, सिनकोना का प्लांट, किससे, सिनकोना, कुनाइन बेसिकली मलेरिया के लिए यूज करते हैं कुनाइन, सिनकोना के पौधे से। 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है, तो आप सब बता पाएंगे किससे ढका हुआ है, 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है, तो ये बता पाएंगे आप, जल से, किससे, वाटर से, किससे ढका हुआ है, वाटर से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, सबसे बड़ा कारण क्या है, नगरीकरण, बढ़ता हुआ नगरीकरण। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा नहीं है, सहतूत, सहतूत नहीं है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गीत जो नेशनल सॉन्ग्स है उसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद चटर्जी। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम किस बुक से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया, किससे लिया गया, आनंद मठ, जिसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद चटर्जी, और आनंद मठ को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता था, और पहली बार राष्ट्रीय गीत को 1896 में गाया गया था, कब, 1896 में गाया गया था, और इसको गाने का समय कितना होता है, 65 सेकंड, कितना होता है, 65 65 सेकंड। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर दिल्ली में, कहाँ पर हुआ था स्थापित, दिल्ली में। डेसीबेल किसे नापने की इकाई है, तो आप सब जानते हैं डेसीबेल किसे नापने की इकाई होती है, ध्वनि को, साउंड को, किससे नापते हैं, साउंड को, डेसीबेल किस में नापते हैं, ध्वनि में। 40 से 45 डेसीबेल तक सामान्य ध्वनि मानी जाती है, जिसे कौन सकता है, लेकिन 80 डेसीबेल से अधिक ध्वनि खतरनाक होती है, और उस ध्वनि पर फिर बहरेपन का कारण हो सकता है, जो सामान्य है वो 40 से 45 तक ठीक मानी जाती है, है ना। पत्तियों की सरसराहट 20 से 25 डेसीबेल, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस तरह देखा जाए तो ये हमने लगभग 60 से 70 से अधिक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लिए, है ना, ये जो क्वेश्चन है 60 से 70 से भी अधिक क्वेश्चन होंगे, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के, जो आपके काम आएंगे आएंगे, और चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो इस पर्यावरण के सेगमेंट को शेयर करना ना भूलें, और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।